अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद और हंसते बसते रहें। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है सईद गनी का बहुत ही फेमस नेचुरल पावरफुल मग्ज़ियात शैम्पू। इसका मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था और मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये ख़त्म हो तो हो चुका है क्योंकि मेरी फैमिली ने यूज़ कर लिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। ये जो मग़ज़ियात शैम्पू है ये बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स से मिलके बना है, जिसके अंदर शामिल है जो सारे हेल्पफुल होते हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, जिसमें कि आपको मैं कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे कि शिकाकाई, एलोवेरा, रीठा, हिबिकस, नीम, और ये तमाम जो है हर्ब्स जो हैं इनके नेचुरल एक्सट्रैक्ट से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर बादाम भी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एलोवेरा, बादाम, रीठास, शिकाकाई, ये तमाम जो है हमें पता है कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है। लेकिन ये है कि मुझे ना ये शैम्पू सूट नहीं किया, सबके अपने पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बात की जाए तो ये रेड कलर का आता है थोड़ा सा, अगर आपको देखें तो ये अंदर से ज़रा सा है भी नज़र नहीं आएगा, इफ़ यू कैन सी। तो ये ना रेड कलर का होता है, अंदर से पिंकिश रेड सा होता है, इसकी फ्रेगरेंस भी थोड़ी सी केमिकल होती है। वैसे तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये क्लेम करते हैं ये नेचुरल होते हैं और नेचुरल ही होते हैं। सईद गनी का एक नाम है, इसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मैंने यूज़ की हुई हैं, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। मेरे बाल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो मुझे जो है ना, और स्पेशली विंटर में काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे एक था नरिशिंग शैम्पू चाहिए था। तो इसके मुकाबले में डव के जो नरिशिंग शैम्पू होते हैं वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और भी जो है ना, क्या कहते हैं, क्योंकि ये वीडियोस हैं, स्पॉन्सर तो है नहीं, नेचुरल ऑनेस्ट रिव्यू है। तो खैर, इसकी बात की जाए कि ये है तो अच्छा, हर्ब से मिला हुआ है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के बालों के लिए, अगर आप बच्चों के लिए यूज़ करें या बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स नहीं है। और इसके अलावा जो है ना, ये मग़ज़ियात शैम्पू इज़ ऑल इन वन रेमेडी फॉर डैमेज्ड एंड डिहाइड्रेटेड हेयर। अच्छा, इसके अंदर ये सारी बातें लिखी नहीं है, यहाँ मेंशन है 200 ml इसकी क्वांटिटी है, यहाँ पे मेंशन है। और जो है ना, इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये अफोर्डेबल है, 200 ml ऑलमोस्ट ही आपको मिल गया था, तकरीबन 280 समथिंग का। इस तरीके से सही देने के आउटलेट से भी आप ले सकते हैं, तो डील्स वगैरह चल रही होती हैं वहाँ पे। तो बस मुझे ये बताना था कि ये ख़त्म तो हो गया है, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और बच्चों ने यूज़ कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अदरवाइज़ जब मैंने यूज़ किया था इसे, तो ये मुझे सूट नहीं किया। मुझे इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा मुझे ड्राई और वो चैपी चैपी से हेयर नहीं होता, लाइक मैं कैसे बताऊँ, चिप चिप सा फील होता है, वो एक अजीब सा होता है, वो मुझे फ़ील हो रहा था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप में से किस किसने यूज़ किया, ये किसका फेवरेट है, और जो है ना, ये है कि ये बुरा नहीं है लेकिन मुझे सूट नहीं किया, तो ये मैंने अपना रिव्यू शेयर किया है, ये मेरे पास था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँ। वैसे तो ये लिखा हुआ रिवाइटलाइज एंड नरिशेस हेयर एंड स्कैल्प सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप, ये तमाम हेयर्स के लिए सूटेबल है, हर किस्म के हेयर, ऑयली हो, ग्रीसी हो या ड्राई हो, सबके लिए ये अच्छा है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है, और ये ऑल एजेस के लिए भी है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब यूज़ कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ठीक है जी। तो बस यही था, आपको अगर ये वीडियो, ये रिव्यू अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।